इन दिनों G20 समिट की दुनिया भर में चर्चा है। भारत की राजधानी दिल्ली को बेहद ही खूबसूरत अंदाज में सजाया गया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी G20 सम्मेलन में भाग लेने आज पहुंच चुके हैं। उन्होंने ANI से बात करते हुए हिंदू धर्म से जुड़ी एक बेहद खास बात कही है, आइए आपको बताते हैं। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि आखिर ऋषि सुनक का भारत से क्या रिश्ता है। नमस्कार दोस्तों, बोल स्काई में आपका स्वागत है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का भारत में जोरदार स्वागत हुआ है। वो अपनी पत्नी के साथ भारत पहुंचे हैं। यहां आने के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कई मुद्दों पर खुलकर जवाब दिए। इसी कड़ी में जब उनसे हिंदू धर्म पर एक सवाल पूछा गया तो उन्होंने काफी एक्साइटेड होकर कहा कि आई एम अ प्राउड हिंदू। उन्होंने मंदिर जाने की बात भी कही है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक G20 समिट में भाग लेने शुक्रवार को भारत पहुंचे हैं। उन्होंने ANI से बात करते हुए हिंदू धर्म से जुड़ाव पर कहा, मुझे हिंदू होने पर गर्व है और मेरी परवरिश इसी तरह हुई है, मैं ऐसा ही हूँ। उम्मीद है कि मैं अगले कुछ दिनों के लिए यहाँ रहने के दौरान एक मंदिर जा सकता हूँ। I'm a proud Hindu and that's how I was raised, that's how I am. Hopefully I can visit a mandir while I'm here for the next couple of days. And yes, we just had Raksha Bandhan, so from my sister and my cousins I have all my Rakhis, and you know, I didn't have time to celebrate Janmashtami properly the other day, but hopefully, as I said, I can make up for that if we visit a mandir this time. To chaliye ab jaan lete hain ki Rishi Sunak ka Bharat se kya rishta hai. हाल ही में ऋषि सुनक इतिहास बनाते हुए ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। ऋषि सुनक पहले ऐसे भारतवंशी हैं जो यूके सरकार का सबसे बड़ा पद संभाल रहे हैं। ऋषि सुनक ने टोरी लीडरशिप चुनाव में पेनी मॉर्डॉन्ट को पीछे छोड़ते हुए प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कब्जा कर लिया। ऋषि सुनक 12 मई 1980 को ब्रिटेन के साउथहैम्पटन में जन्मे थे। ऋषि के पिता डॉक्टर और माँ एक दवा खाना चलाती थी। ऋषि सुनक 3 बहन भाई हैं जिनमें वो सबसे बड़े हैं। ऋषि सुनक के दादा दादी का जन्म पंजाब प्रांत यानी ब्रिटिश इंडिया में हुआ था, जबकि ऋषि सुनक के पिता का जन्म केनिया तो उनकी मां का जन्म तंजानिया में हुआ था। करियर के शुरुआती दिनों में जब ऋषि राजनीति में नहीं आए थे तब उन्होंने 1 अरब पाउंड की ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कंपनी की स्थापना की थी। वहीं भारत से अपने खास रिश्ते पर वो कहते हैं कि मुझे भारत का दामाद कहा जाता है, मुझे उम्मीद है कि ये प्यार से कहा गया होगा। उन्होंने ये भी बताया कि मैं वापस भारत आने के लिए बेहद एक्साइटेड था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। I'm a proud Hindu and that's how I was raised, that's how I am. Hopefully I can visit a mandir while I'm here for the next couple of days. And yes, we just had Raksha Bandhan, so from my sister and my cousins I have all my Rakhis, and you know, I didn't have time to celebrate Janmashtami properly the other day, but hopefully, as I said, I can make up for that if we visit a mandir this time. But it's something that is important to me. I think faith is something that helps everybody who has faith in their lives, particularly when you have these stressful jobs like I do. Having faith to give you resilience, to give you strength, is important. And